morning class. Today we are back with a new chapter that is reproduction in plants. Reproduction ka kya matlab hai? This chapter is chapter 8 of your book and we'll discuss it step by step. Reproduction ka matlab kya hai? Ye ek biological, this is a biological process to produce baby plants from mother plant. Ek छोटा प्लांट उगना उसकी मदर प्लांट से, जैसे हम लोगों को हमारी माँ ने जन्म दिया है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसे ही एक बड़ा जो प्लांट है वो अपने बेबी प्लांट को प्रोड्यूस करता है कैसे, थ्रू या तो सीड्स। नॉर्मल है अगर कोई भी बड़ा प्लांट है उसकी सीड अगर हम दूसरी जगह सो कर रहे हैं, थ्रू आर इंटरवेंशन हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा पर उसमें, तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। सो विल डिस्कस इट कि कैसे रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स टेक प्लेस अलग अलग तरीकों से। द फर्स्ट वन इज सीड्स, सीड्स के थ्रू। सीड्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली एक तो मैंने तुम लोगों को बताया अभी कि अगर हम लोग खुद सॉइल में जाकर सीड्स डालते हैं तो एक सीड्स, एक न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है। बट अनदर एग्जाम्पल इज डिस्पोजल ऑफ सीड्स। डिस्पोजल का मतलब है स्कैटरिंग, इधर से उधर अगर उग जाए एक सीड्स, अगर आप एक जगह इकट्ठा करके रखी है आपने और वो हवा से उगकर दूसरी जगह चली जाए और वहाँ उसको बारिश का पानी मिल जाए, पहले तो वो सॉइल में चली गई है और बारिश का पानी मिल जाए और साथ में सनलाइट, तो वो एक नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा। तो एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स आर, किस किस तरीके से वो सीड इधर से उधर जा रही है उसका तरीके हैं। फर्स्ट वन इज विंड, हवा, बहुत तेज हवा आई। और कॉटन सीड्स इसका एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है क्योंकि कॉटन सीड्स बहुत लाइट वेट की होती हैं, अगर विंड आएगी तो वो ईजिली उसको अपने साथ कैरी करके ले जाएगी और वो दूसरी जगह जाकर सेटल होगा तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा। द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज वाटर, वाटर, अगर वाटर, पहले वाटर के पास जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं वाटर लिली एंड कोकोनट। ये दो ट्रीज पानी के पास पाए जाते हैं क्योंकि ये लाइट वेट होने की वजह से इनका, ये इजीली कैरी कर जाते हैं वाटर अपने साथ और दूसरी जगह जहाँ सॉइल तक वो पहुँचा कर उसको एक न्यू प्लांट में ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट वन इज एनिमल्स, मैंगोस एग्जाम्पल, इसमें मैंने इसका एग्जाम्पल मैंगो का लिया है। एनिमल्स अगर कुछ भी, ऑब्वियसली दे नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल, और अगर एनिमल कोई भी फ्रूट खा रहा है फॉर एग्जाम्पल मैंगो एंड उसका सीड, ऑब्वियसली दैट पर्सन विल नॉट कंज्यूम, दैट एनिमल वॉन्ट कंज्यूम द सीड्स, वो उसका ऊपर का हिस्सा खाकर सीड्स अगर छोड़ देता है तो वो सीड दूसरे प्लांट में टर्न होने के लिए ईजी हो जाता है। बिकॉज अगर वो सॉइल पर सीड छोड़कर चला गया है मिट्टी पर एंड वहाँ पर पानी और सनलाइट के थ्रू वो एक नए प्लांट में ईजीली ग्रो हो जाता है। इट्स अ ओन प्रोसेस। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन कोई भी प्लांट ऐसा जो सूख गया है और सूखने के बाद वो फटना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल है मटर, हमने देखी होगी घर पर, अगर वो सूख जाती है तो ऊपर से क्रैक होनी शुरू हो जाती है, अगर उसमें से एक भी मटर निकल जाए और वो दूसरी जगह सो कर दें हम तो वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो सकती है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि कैसे कैसे सीड्स के थ्रू एक प्लांट ग्रो किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज स्पोर्स, स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स लीव्स के अंदर, कोई भी प्लांट है उसकी जो लीव्स हैं उसके अंदर एक सेल्स होते हैं जिसकी वजह से वो उससे रिप्रोड्यूस होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं फॉर्न, मॉस एंड फंगाई। द नेक्स्ट वन इज बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के थ्रू कैसे कोई भी प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकता है। द फर्स्ट वन इज स्टेम, स्टेम में हमने लिया है एग्जाम्पल रोज एंड शुगर केन का, ये स्टेम प्लांट होते हैं। रोज, अगर हम रोज के प्लांट, एक बिग प्लांट है जो हमारे पास घर में रोज का है, अगर हम उसमें से उसकी एक टहनी, दैट इज अ ब्रांच, हम उसकी एक ब्रांच तोड़कर दूसरे पॉट में लगा देंगे तो दैट प्लांट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो ये एक प्रोसीजर है, हमने एक बड़े प्लांट की एक बॉडी पार्ट लिया एंड उसको दूसरी सॉइल में सो कर दिया। नेक्स्ट वन इज अंडरग्राउंड स्टेम,
अंडरग्राउंड स्टेम में आते हैं हमारे पोटैटो। पोटैटो का बीज एक बार मिट्टी में डालना होता है, देन वो एक दूसरे के साथ पूरा इतना सारा पोटैटो अंडरग्राउंड मतलब मिट्टी के अंदर ही ग्रो होना शुरू हो जाता है। जब वो फुली डेवलप हो जाता है तो वो एक्सप्लोर होकर सॉइल के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट वन इज रूट्स, दैट इज स्वीट पोटैटो। रूट प्लांट है जो रूट के थ्रू होता है डेवलप, दैट इज स्वीट पोटैटो। द नेक्स्ट वन इज बल्ब्स ऑफ मदर प्लांट। बल्ब्स का मतलब है उसका ही एक पार्ट, जैसे हम अनियन का एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें हम प्याज का जो अंदर का हिस्सा है बिल्कुल बीज का, अगर हम उसको ना खाएं और हम उसको मिट्टी में उगाने की कोशिश करें, मतलब उसको हम मिट्टी में डाल दें और उसको अच्छी कंडीशन में अगर ग्रो करने की कोशिश करें तो दैट विल ग्रो इनटू अनदर अनियन प्लांट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन का क्या मतलब है? सीड को मिट्टी में उगाना और उसका एक न्यू प्लांट में चेंज हो जाना, ये है जर्मिनेशन। उसकी जर्नी सीड से लेकर एक न्यू प्लांट तक की, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। द टर्निंग ऑफ सीड इनटू अ न्यू प्लांट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ सीड। द नेक्स्ट वन इज कि उसमें क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत है, किन किन कंडीशंस में ये चीज़ ये जर्मिनेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो सकता है। द फर्स्ट वन इज एयर, हमें हवा की बहुत ज़रूरत होती है, वाटर, सॉइल एंड लास्ट वन इज सनलाइट। प्रॉपर सनलाइट भी ज़रूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। Hope you all have understood what's the main process of reproduction of plants and what are its categories, ki jisse the ways through which the process completes. The question answers of this chapter are being uploaded on the site. Kindly complete your chapter in notebook and stay learning, keep learning class. Thank you.